हेलो चिल्ड्रेन सो चिल्ड्रेन लुक व्हाट आर वी लर्निंग टुडे यस हम पढ़ रहे हैं नोटेशंस व्हाट आर वी लर्निंग नोटेशंस और हमें तो वन से टेन तक ऑलरेडी नोटेशन आते हैं और हमने लास्ट टाइम इलेवन का भी लिख के लर्न किया था है ना सो so, आज हम क्या लिखेंगे इलेवन के बाद कौन सा नंबर आता है येस आफ्टर एलेवन कम्स नंबर ट वेरी गुड नंबर ट्वेल्व सो कम ऑन जल्दी से दौड़ के ना रन करके जाओ आपकी ऐसी स्क्वेर ब्लॉक वाली मैप की नोटबुक लेके आ जाओ आपके अच्छे से शार्पन बिग पेंसिल लेके आ जाओ और जल्दी से मेरे मैम के साथ लिखो ठीक है क्या लिखेंगे आप अच्छे नए पेज पे आप नंबर ट्वेल्व लिखेंगे ये मार्जिन लाइन के पास और ट्वेल्व के बाद क्या लिखेंगे ट्वेल्व डैश रेडी 12 t w e l v e ई ट्वेल्व रिपीट आफ्टर मी 12 t w e l v e ई ट्वेल्व कमॉन मेरे पीछे बोलो एकदम जोर से ओके मैम को आवाज आनी चाहिए यहां तक सो कमॉन से लाउडली ट्वेल्व डैश टी डब्ल्यू ई एल वी ई ट्वेल्व 12 टी डब्ल्यू ई एल वी ई ट्वेल्व लस डू इट वन मोर टाइम ट्वेल्व डैश टी डब्ल्यू ई एल वी ई ट्वेल्व वेरी गुड चोलन आप ना आपना बार बार इस तरह से बोल के लिखेगा ना पूरा फुल पेज तो आपको इलेवन ट्वेल्व पूरे बिग बिग नोटेशन भी लर्न हो जाएंगे फिर आपकी एग्जाम्स आएगी अभी वन टू मंथ्स में फिर मैम आपको क्वेश्चन पेपर में ओरल एग्जाम में पूछेंगे के चिल्ड्रेन टेल मी द नोटेशन ऑफ नंबर नेम ऑफ इलेवन टेल मी नोटेशन नंबर नेम ऑफ ट्वेल्व और अगर आप ओरल में बोल नहीं पाए लिख नहीं पाए ना तो फिर आपको रिपोर्ट कार्ड में बुरे बुरे मार्क्स आ जाएंगे जीरो मार्क्स आ जाएंगे फिर आपको बड़ी क्लास में नहीं जाना फिर आपको बड़ी क्लास में एडमिशन नहीं मिलेगा आप छोटे बच्चों के साथ छोटी क्लास में रहोगे नर्सरी जूनियर के जी में आपको बड़ी दूसरी क्लास में जाना है ना बिग बच्चों के साथ बिग क्लास में तो उसके लिए आपको अच्छे से लर्न करना पड़ेगा आपको अगर आएगा ही नहीं आप लर्न ही नहीं करोगे तो फिर आप पास कैसे हो गए है ना सो चिल्ड्रेन से अगेन एंड अगेन राइट इट डाउन आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल बाय